हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो कुछ टाइम बाद मुझे एक ट्रिप पे जाना है और मैं ऑनलाइन जो है अच्छे ट्रॉली बैग ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर मुझे दो पॉपुलर ब्रांड्स के जो ट्रॉली बैग है वो काफ़ी पसंद आए और मैंने दोनों को ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पर देखिए अमेजोन ने काफ़ी ज़बरदस्त पैकिंग करके इनको भेजा है, तो इनको फटाफट अनबॉक्स करके देखते हैं। और अगर आप लोग भी ऐसे ही कोई ट्रॉली बैग वगैरह ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की है। तो आज प्रॉपर डिटेल में टेस्टिंग वगैरह करके देखेंगे और फाइनली पता चलेगा कौन सा बैग जो है बेटर है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अनबॉक्सिंग तो हम लोग कर ही रहे साथ साथ में, दो काम एक साथ। मगर उससे पहले थोड़ा प्राइसिंग के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते ताकि कमेंट सेक्शन में किसी को डाउट ना रहे। तो यहाँ पर देखो मैंने अमेजोन ओपन कर लिया है और अमेरिकन टूरिस्टर 55 सेंटीमीटर ये देखो यहाँ पर चल रहा है 3399 रुपीस प्राइस। मगर इसी की लिंक को अगर मैं कॉपी करता हूँ और प्राइस हिस्ट्री में जाता हूँ, यहाँ पर देखो पेस्ट करता हूँ, और इस वक्त जो अमेज़ॉन पे वो भी चल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। तो यहाँ पे देखो इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो, एक महीने पे हम लोग इसको सेट कर देते हैं और कितनी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन है। तो अलग अलग टाइम में दिन में जो है अलग अलग प्राइस रहती है। और आप लोग यहाँ पर मिनिमम प्राइस देखोगे तो 71799 यहाँ पर प्राइस है। और मैंने जब इसको बाय किया तब मुझे 2000 रुपीस के आसपास प्राइस थी और 10% कुछ कार्ड डिस्काउंट था सेल में। और यहाँ पर सफारी के भी जो पेज है उस पर चले जाते हैं और 55 सेंटीमीटर वाली कहाँ पर है देख लेते हैं। तो ये रही 55 सेंटीमीटर और 3200 प्राइस चल रही है। और इसको भी अगर हम लोग प्राइस हिस्ट्री में चेक करते तो आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है प्राइस में। और दोनों ही सूटकेस की प्राइस मुझे सिमिलर 1800 पड़ी। और यहाँ पर देखो वैसे इन बैग्स की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मगर फिर भी आप लोग जो है दिन में देखो अलग अलग प्राइस रहती है तो आप चेक कर लेना। और जब भी सेल वगैरह में ऐसे प्रोडक्ट्स हम बाय करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन से, और सबसे पहले बात करते हैं सफारी के 55 सेंटीमीटर ट्रॉली बैग की। और यहाँ पर MRP दिख रही है 8100, मगर आपको बताया मैंने 1800 में मुझे मिल गई। और 5 ईयर्स की इंटरनेशनल वारंटी है इसमें जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर इसको स्कैन करके हमें रजिस्टर करना होगा। और इसका जो हैंडल है इसकी क्वालिटी देखो काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग जो है जॉइंट किया हुआ है। और ऐसे देखो स्टेबल भी लग रहा है काफ़ी। और यहाँ पर इसके अंदर जो है मटेरियल यूज़ किया गया है प्लास्टिक जैसे मटेरियल होता है, और काफ़ी ज़्यादा ये देखो फ्लेक्सिबल लग रहा है। इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो है आसानी से टूटेगा नहीं क्योंकि ये आराम से फ्लेक्सिबल है यहाँ पर। और जो लॉक है आपको TSA अप्रूव्ड लॉक मिल जाता है, मगर ये इतना सिक्योर नहीं होता, कोई भी इसको आसानी से खोल सकता है, मैंने खुद ने आपको ट्रिक बताई थी। और यहाँ पर ये देखो इसको अंदर से देख लेते हैं कैसी है। तो अंदर आपको एक मैनुअल मिल जाता है लॉक के बारे में ही, और यहाँ पर ये जो है आपको इलास्टिक मिलता है। और ये जो अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है, ऐसी ही मिलती है हमें ज़्यादातर सभी सूटकेस में। और ये जो चेन है इस साइड आपको मिल जाएगी एक, और ये जो जाली जैसा भी आपको मिलेगा ये एक्स्ट्रा दिख रहा है मेरे को, ऐसा पता नहीं था कि इसके अंदर होगा यहाँ पर। और इसको भी खोल के देख लेते हैं अंदर से कैसा है। तो यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया और अंदर की साइड में आपको और इलास्टिक के जो हुक होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इसको अब बंद कर लेते हैं और टायर्स की कैसी क्वालिटी है वो भी चेक कर लेते हैं। तो टायर यहाँ पर ब्लू कलर के मिलते हैं इस कलर के साथ, और ये देखो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी मजबूत भी लग रहे हैं ये, फिनिशिंग वगैरह भी काफ़ी सही लगी मेरे को इस सूटकेस की। और इसके हैंडल की भी बात कर लेते हैं तो सिंगल साइड में आपको हैंडल इसमें मिलेगा, ऊपर की साइड में सिर्फ कोई भी साइड में हैंडल वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ से आपको इसको उठाना होगा, और ये भी काफ़ी मजबूत लग रहा है और लाइट वेट है काफ़ी ज़्यादा ये सूटकेस। तो अब जो है इसको सफारी वाली ट्रॉली बैग को साइड में करते हैं और बात कर लेते हैं अमेरिकन टूरिस्टर के डिज़ाइन वगैरह के बारे में। और अब ये आ गई है हमारे पास अमेरिकन टूरिस्टर की 55 सेंटीमीटर की ट्रॉली बैग, और एकदम ब्लैक डिज़ाइन है, ब्लैक फिनिश है, मेट ब्लैक लग रहा है एकदम। और यहाँ पर 3 ईयर्स की इसमें वर्ल्ड वाइड वारंटी मिलती है, सफारी से थोड़ी कम है। और विराट कोहली इसका अभी ब्रांड एम्बेसडर है अमेरिकन टूरिस्टर का। और अंदर थोड़ी अमेरिकन टूरिस्टर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है, और MRP लिखी है 7000 रुपये, और मगर आपको पता है 1800 रुपये में मुझे ये मिली है। और यहाँ पर हैंडल पे भी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है अमेरिकन टूरिस्टर की, और ये जो है देखो काफ़ी सही है क्वालिटी इसकी, काफ़ी जो है काफ़ी रबड़ जैसा यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया गया। तो इसको ग्रिप आपको अच्छी मिलेगी जब भी आप इसको उठाओगे, और उठा के देख लेते हैं कि ये भी लाइट वेट है या फिर कैसी है। तो ये भी काफ़ी लाइट वेट ही लग रही है मेरे को, काफ़ी सही है। और यहाँ पर जो है इसका हैंडल है इसको भी खोल के देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। और इन दोनों ट्रॉली बैग के हैंडल की लेंथ जो है काफ़ी सिमिलर सी लगी मेरे को, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। मगर अमेरिकन टूरिस्टर के हैंडल में मुझे थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो फिटिंग है थोड़ी लूज लग रही है, आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ तो आपको पता चलेगा।
और यहाँ पर हैंडल दोनों ही मेरे को मजबूत लगे, मैंने अच्छे से इनको टेस्ट कर लिया, मगर सफारी वाला थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है मजबूत। और यहाँ पर जो है देखो आगे अमेरिकन टूरिस्टर की ब्रांडिंग मिलती है, और ये जो मटेरियल है थोड़ा सा हार्ड है, सफारी में थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट था। और ये देखो कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन मिलती है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको लॉक मिलता है TSA 007, और डिफरेंट टाइप का लॉक है। और ये जो लॉक है थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी गैप्स वगैरह देखने को नहीं मिलते नंबर्स के बीच में। और यहाँ पर जो चाबी वगैरह लगती है TSA वालों की वो है। और तो अब जो है टायर्स की क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं, और पूरा ब्लैक ब्लैक हर चीज़ ब्लैक दी है, तो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है ब्लैक। और यहाँ पर देखो टायर्स काफ़ी स्मूथ भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो सिमिलर टाइप के टायर लगे मेरे को दोनों ही ट्रॉली बैग के अंदर। और पीछे की साइड में आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलता है, आपको यहाँ पर ये कर्व्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं लुक। और अमेरिकन टूरिस्टर यहाँ भी लिखा है, और यहाँ पे आप स्टिकर वगैरह चिपका सकते हो इसको खोल के, आपका नाम नंबर वगैरह, तो ये भी आपको मिल जाता है जो कि सफारी में नहीं था। और अब जो है इसकी चेन की भी बात कर लेते हैं, तो लॉक कुछ इस तरह से इसका खुलता है। चेन्स की क्वालिटी काफ़ी सही है दोनों ही लगेज में। और यहाँ पर इसको अंदर से देखते हैं कैसा है अंदर से क्वालिटी, क्या क्या मिलता है। तो अंदर की साइड में देखो काफ़ी कुछ रखा हुआ है लॉक के बारे में रखा हुआ है, और ये आपको इलास्टिक जो है हुक्स मिल जाते हैं, और जो है ये कपड़े की क्वालिटी काफ़ी सही है। और दूसरी साइड में यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा आपको वो चेन वाला नहीं मिलता है जालीदार, सिर्फ सिंगल मिलता है आपको, जो कि सफारी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। और अंदर की साइड में कोई भी इलास्टिक भी नहीं मिलता एक्स्ट्रा। और अगर दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं तो फिर देखो साइज़ में मुझे तो कोई इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा, एकदम मामूली सा डिफरेंस होगा तो पता नहीं, मगर आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या वीडियो में। और यहाँ पर दोनों ही ब्रांड जो है स्क्रैच रेजिस्टेंट का भी क्लेम करते हैं, जो बॉडी पे मटेरियल यूज़ किया गया है स्क्रैच रेजिस्टेंट है, तो थोड़ा चाकू मार के टेस्ट कर लेते हैं स्क्रैच। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथ फेरने पे देखो सारे जो भी स्क्रैच तो यहाँ पर नहीं आया है जरा भी अमेरिकन टूरिस्टर पे, और ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन यूज़ की गई कि स्क्रैच आया भी नहीं और दिखेगा भी नहीं, तो काफ़ी सही है यहाँ पर। ये तो पास हो गया, अब सफारी की बारी। तो यहाँ पर देखो आपको स्क्रैच क्लियरली दिख रहे होंगे, तो ये कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट तो नहीं है सफारी में, और आपको क्लियरली दिख भी जाएंगे स्क्रैच। और ये जो डिज़ाइन कुछ इस तरह की ये लोग यूज़ करते हैं कि स्क्रैचेस जो है दूर से नहीं दिखते, मगर क्लियरली पास में से तो आराम से दिख रहे हैं। और सफारी ने यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंट भी क्लेम किया, तो पानी का भी मैं इस पर टेस्ट करूँगा पूरा अच्छे से, डालते हैं इस पर पानी और देखते हैं क्या सच में ये वाटरप्रूफ है भी या नहीं। तो देखो प्लास्टिक बॉडी से तो पानी नहीं जाएगा, मगर चेन के यहाँ से ज़रूर पानी जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये रबड़ जैसा यूज़ किया गया है दोनों साइड में, यहाँ पे इस साइड भी और दूसरी साइड भी, तो इससे जो है थोड़ा सील प्रूफ इसको होना चाहिए था, मगर ज़रा भी सील प्रूफ ये नहीं हुआ, आराम से पानी इसके अंदर चला गया। और देखो सब गीला हो गया है, ये जो भी अंदर का मटेरियल है पूरा गीला हो गया है, और दूसरी साइड भी आपको पानी दिख जाएगा। और अमेरिकन टूरिस्टर ने ज़रा भी क्लेम नहीं किया है वाटर रेजिस्टेंट वगैरह का, मगर फिर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इस पर भी मैं थोड़ा पानी डाल के देखता हूँ, और बारिश वगैरह में तो आराम से पानी अंदर चला ही जाएगा, तो इनको भिगाना मत जरा। तो अब इसको भी अंदर से खोल के देखते हैं कि क्या पानी अंदर गया है। तो इसमें भी सेम टू सेम यूज़ किया गया है रबड़, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अंदर देखो ये गीला हो गया अंदर से वैसे, और ये रहा रबड़ आपको दिख रहा होगा, मगर ये जो इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, आराम से पानी अंदर चला जाता है। तो ओवरऑल देखो दोनों ही सूटकेस के बारे में सब कुछ मैंने आपको मोस्टली बता दिया, साइड बाय साइड कंपैरिजन हमने कर लिया। और यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह की बात करें तो देखो अलग अलग कलर है दोनों में ही, न्यू टाइप का लुक है, और डिज़ाइन जो है पर्सनल चॉइस होती है सबकी। और यहाँ पर अगर मेरी चॉइस की बात करूँ इन दोनों में से मुझे कौन सा ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे यहाँ पर जो है सफारी वाला थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। तो यार ज़्यादातर सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बस लिखते जाइए सब लोग, और एक दूसरे को रिप्लाइज दीजिए, कमेंट्स बढ़ा दो बस वीडियो पे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला, जय श्री कृष्णा।